हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हरियाणा की दिन भर की 25 बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर प्यारा सा लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप सभी के लिए हरियाणा के मुख्य समाचार बिग ब्रेकिंग के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप हरियाणा किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं, पहली सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले जानते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने से जिंदगी की सांसों की डोर टूट रही है। सोनीपत में 5वें मरीज ने दम तोड़ दिया है, जिससे राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 46 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5,364 पर पहुंच गया है। यही नहीं, 42 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। बुधवार को राज्य में 155 नए संक्रमित मिले हैं, तो आज यानी 97 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। जबकि 29 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 13 वेंटिलेटर पर हैं। नए मामले में सबसे ज्यादा, आपको बता दें, गुड़गांव में 88, सोनीपत में 28, फरीदाबाद और अंबाला में 13-13, चरखी दादरी व हिसार में 5-5, पंचकुला में 2 तथा सिरसा में 1 संक्रमित मिला है। जबकि वहीं ठीक होने वालों में फरीदाबाद में 55, सोनीपत में 22, हिसार में 15, पलवल में 3 और झज्जर में 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अभी बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, हरियाणा में थप्पड़ कांड का थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोनाली फोगाट थप्पड़ कांड को लेकर के सीएम बोले, पुलिस की जांच के बाद दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और वहीं मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत फतेहाबाद के रतिया में किसानों से मिलने पहुंचे थे सीएम। सीएम ने कहा, 15 जुलाई तक कॉलेज नहीं खुलेंगे, 15 अगस्त तक सेकेंडरी स्कूल भी नहीं खुलेंगे। और वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिरसा से खबर आ रही है, भर्ती रद्द होने के विरोध में महिला पीटीआई शिक्षक ने करवाया अपना मुंडन। हर रोज एक शिक्षक करवाएगा मुंडन। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में लगे 1983 पीटीआई की भर्ती को रद्द किया था। भर्ती रद्द होने पर नौकरी जाने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पीटीआई के अभ्यर्थी। और वहीं आपको बता दें, अम्बाला से बड़ी खबर है, बाथरूम में नहाते समय गिरे गृह मंत्री अनिल विज, थाई फ्रैक्चर। और वहीं सीएम मनोहर लाल अस्पताल पहुंचे। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस और 7 एससीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। और अगली बड़ी खबर की बात करें, चंडीगढ़ से आ रही है, संयुक्त राष्ट्र ने बेटी बचाओ मुहिम को सराहा, कहा मेवात के बदलने से पूरी दुनिया बदल जाएगी। और करनाल से भी खबर है, करनाल डिस्ट्रिक्ट से सेल्फी विद डॉक्टर की ब्रांड एम्बेसडर बनी अनवी अग्रवाल, बोली शिक्षा के प्रति लड़कियों को करूंगी प्रोत्साहित। और चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर है, संगठन में फेरबदल करेंगे जजपा, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी, अभय को नसीहत, बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांकने का काम करें। और सिरसा से भी बड़ी खबर आ रही है, सीएम खट्टर ने विधायक गोपाल कांडा के आवास पर पहुंचकर उनके मां के निधन पर शोक जताया, परिवार का हिम्मत बंधाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर भर्ती मामला, पीटीआई टीचर्स ने हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली, अब मामले को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। रोहतक से भी बड़ी खबर आ रही है, 100 एकड़ में होंगे बाग, 3 साल तक पंचायतें करेंगी इनकी देखभाल। करनाल से भी खबर है, अब राहुल हुड्डा नगर निगम आयुक्त तो और अशोक बंसल होंगे करनाल के नए एडीसी। और कुरुक्षेत्र से भी इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है, मनरेगा के तहत गांव में 6,76,00,000 रुपए के विकास कार्यों को किया जा चुका है पूरा, जिला परिषद चेयरमैन कुरदयाल सुनहेड़ी ने कहा है। और वहीं हरियाणा में कबूतरबाजी में 139 एफआईआर दर्ज, 11 गिरफ्तार, एसआईटी ने धरपकड़ तेज की। और जींद की बात करें, नागरिक अस्पताल की तीसरी मंजिल से रस्सी के सहारे कूदकर भागा कोरोना पॉजिटिव युवक, जुलाना से पकड़ा गया है। इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है, मास्क नहीं लगाने वालों को किए जाएंगे चालान। इसी के साथ चंडीगढ़ से भी खबर है, एनआरआई नवनीत सिंह चड्ढा के अपहरणकर्ताओं की उम्र कैद, 10 साल की सजा में बदली हाईकोर्ट ने 8 वर्ष पुराने केस में 6 दोषियों को दी राहत। और पीजी स्टूडेंट व रिसर्च स्कॉलर के लिए जल्द खुल सकती है यूनिवर्सिटी, डिप्टी सीएम ने राज्यपाल से की चर्चा। कुछ 6 से बड़ी खबर, निर्देश दिए गए हैं, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को देनी होगी सूचना, सभी की मेडिकल जाँच अनिवार्य, प्रशासन ने जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप नंबर किया है जारी। आपको बता दें, पानीपत से भी बड़ी खबर है, नगर निगम में बड़ा बदलाव, कमिश्नर को पद से हटाया, रिटायरमेंट के बाद 6 माह का एक्सटेंशन खत्म होने में 1 माह 20 दिन बचे थे, स्ट्रीट लाइट घोटाले की जांच में रिपोर्ट पेश करने के लिए पंचकुला में थे निगम कमिश्नर ओम प्रकाश, दोपहर को कुर्सी ही चली गई। और रोहतक से बड़ी खबर है, आत्मनिर्भरता के लिए जन संदेश, स्वयं सहायता समूह के लिए चलेगी नई मुहिम, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की तरफ बढ़ेंगे कदम। इसी के साथ आखिरी बड़ी खबर आ रही है, भिवानी जिले से आ रही है, मजदूरों, किसानों, छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों की सरकार तुरंत सहायता करे, वामपंथी पार्टियों ने ये कहा है। भाई बहनों, आप सभी के लिए 25 बड़ी खबरें कैसी लगी? अगर बड़ी खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो तकलीफ जय हिंद।